गाइस ये थाली आ चुकी है मेरे लिए, भाभी है रेडी है काम देने आ हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो गाइस कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो गाइस आज है संडे, तो आज हम सुबह से ही ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस अभी सुबह के 8 बज चुके हैं और देखिए कितनी धूप लगी हुई है, अंदर तक आ चुकी है। तो गाइस अभी हम उठे तो मैंने सबसे पहले फ़ोन हाथ में लिया कि आज ब्लॉग भी स्टार्ट करेंगे, तो सुबह ही आज ब्लॉग शूट हो रहा है। तो गाइस देखिए बाबूजी अभी सोए हुए हैं क्योंकि और फोन चला रहे हैं। देखिए आज संडे है तो आज हम थोड़ा लेट उठते हैं, तो अभी ये लेटे हुए हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में, बनाते हैं खाने के लिए कुछ। बाय बाय। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ किचन में, तो अभी किचन में देखिए। तो गाइस ये चने मैंने शाम को भिगोने के लिए डाले हुए थे, तब मैं कब से ब्लैक चने नहीं खाए थे, तो अभी इनमें लगाएंगे हल्का सा तड़का और साथ में हम बनाएंगे सेवइयाँ। और देखिए गाइस बाहर कितनी खतरनाक वाली धूप लगी हुई है, तो अभी मैं तड़का लगा लेती हूँ। तो गाइस यहाँ पे सेवइयाँ बन रही है और देखिए हमारे आंटी जी ने हमें मक्की की रोटी दे दी है दो, और यहाँ पे ये सब्जी है कचालू की, अरबी की, और मैंने देखिए चने भी बना दिए थे तड़का लगाकर। तो अभी देखते हैं क्या क्या खाने वाले हैं हम, तो सारी आइटमें खाएंगे थोड़ी थोड़ी। तो ये लग चुकी है पुष्प के लिए थाली, तो चलते हैं अब पुष्प के पास। माय गॉड, छल्ली की रोटी, मक्की की रोटी, छल्ली की रोटी, मक्की की रोटी, वन ऑफ माय फेवरेट। मिल्क है? यस, मिल्क के साथ खाऊंगा मैं रोटी। ये आप बाद में खाइए चने, पहले सब्जी के साथ खा लीजिए थोड़ी सी रोटी। मैं लाती हूँ दूध आपकी। तो गाइस ये थाली आ चुकी है मेरे लिए और ये दूध आ चुका है लीजेंड के लिए, और मैंने तो साथ में नींबू भी ले लिया है। यस। और गाइस देखिए रिहर्सल में कितनी अच्छी धूप खिली हुई है, देखिए सुबह के 11 बजने वाले हैं अभी और मौसम बिल्कुल साफ है और धूप खिली हुई है यहाँ पे बहुत तेज। तो दो है घटे मटेरियल ज्यादा नहीं हुई है, नहीं है ज्यादा ठीक है। पानी आ रहा मुंह में, नमक नहीं पाया इसमें। वाह वाह, ताई दी तरह किड़िया ही दिया। तो गाइस आज हम बना रहे हैं मुरब्बा, खाने के लिए आ जाइए। और यहाँ पे बाबूजी बैठे हुए और खाने के लिए हमारी कटोरिया यहाँ पे इंतजार कर रही है, और वहाँ से घूम रहे थे। एक मिर्च साहब तेज निकाली है, दुआ की ये खानी है, ये खानी है, भाभी है देनी है काम दे दिया। गाइस देखिए कटोरी आपके लिए। खट्टा खाने बैठो नीचे, चलो पुआ। गुड आफ्टरनून गाइस। तो गाइस अब हम छत से वापिस आ चुके हैं मुरब्बा खाकर, मुरब्बा बहुत स्वादिष्ट था और अब धूप भी चली गई है, बादल आ गए हैं, तो अब हम रूम में आ गए हैं। और आज संडे है तो संडे के दिन हम मूवी देखने जा रहे हैं, लैपटॉप में मूवी देखेंगे। अभी हमारा लैपटॉप तैयार है और प्रीति जो है किचन में है सामने, दिस इज़ आवर किचन।
तो प्रीति अभी किचन में है, सेवइयाँ बनाई हुई है और साथ में पता नहीं क्या है। और क्या है सेवइयाँ के साथ? नथिंग, ओनली सेवइयाँ। और सेवइयाँ खाने के बाद प्रीति बोल रही है कि हम पॉपकॉर्न बनाएंगे। और ये देखिए सेवइयाँ आ चुकी हैं और अब हम खाएंगे सेवइयाँ, उसके बाद बनाएंगे पॉपकॉर्न और फ्राइज। उसके बाद पॉपकॉर्न और फ्राइज। और हमारा संडे बहुत अच्छा जा रहा है अभी तक। और अब हम मूवीज भी देखने जा रहे हैं। कौन सी थी? इत्तेफाक मूवी देखने। इत्तेफाक मूवी जो कि सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। तो ये वैसे आकृति मैम ने सजेस्ट की थी, तो उनके कहने पर हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए गाइस अब मिलते हैं बाद में पॉपकॉर्न के टाइम। अभी हम सेवियाँ खा लेते हैं और साथ में मूवी देख लेते हैं। तो प्लीज़ आप ऑन करिए लैपटॉप। तो गाइस मूवी के साथ साथ अब हम गावा खाने वाले हैं अमरूद। और देखिए प्रीति अमरूद लेके आई है और हम साथ में अमरूद खा रहे हैं और साथ में देख रहे हैं मूवी। और गाइस ये देखिए अब एक नई चीज़ बनकर आ रही है, पॉपकॉर्न। हमने सोचा कि मूवी के साथ साथ मूवी देखते हैं और साथ में पॉपकॉर्न भी खाते हैं। तो प्रीति पॉपकॉर्न बना के ले आई है और बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छी मूवी है, सस्पेंस थ्रिलर है और साथ में पॉपकॉर्न और अमरूद खाया हमने। एक कर दो मूवी ऑन। ठीक है गाइज तो हम देख लेते हैं मूवी, उसके बाद देखते हैं और क्या बनता है, उसके बाद नेक्स्ट फरमाइश देखते हैं क्या होती है। हेलो गाइज, गुड इवनिंग। तो गाइज मूवी देखने के बाद हम थोड़ी देर सो गए थे, तो अभी उठे और गाइज शाम के अभी 5 बजने वाले हैं और मैं भी लेंटर पे आ गई हूँ। तो गाइज सुबह के कपड़े डाले हुए हैं सूखने के लिए, तो वो उठाने हैं। और धूप जा चुकी है अभी और हल्की हल्की हवा लगी हुई है, थोड़ी ठंड सी महसूस हो रही है यहाँ पे। देखिए गाइस धूप जा चुकी है और आज बादल से आए हुए हैं, शायद बारिश वाला माहौल बन जाए। और गाइस कपड़े डाले हुए हैं सूखने, तो भी मैं कपड़े उठा लेती हूँ और उसके बाद करते हैं डिनर की तैयारी। गाइस अभी मैं डिनर बनाने की तैयारी में जुट चुकी हूँ। तो राजमा और सुबह के थोड़े से चने रहेंगे, तो उसकी दाल बनाएंगे आज हम। और अभी हम बनाने वाले हैं फ्राइज। तो गाइस अभी हम थोड़े से फ्राइज बनाएंगे, तो कढ़ाई यहाँ पे मैं रख ली और साथ में दाल भी रख देते हैं। ओह वाओ, और गाइस देखिए नेक्स्ट स्पेशल चीज़ क्या बन के आई है, फ्राइज। और आज संडे है तो आज हम कुछ नए नए ही खा रहे हैं। और अभी शाम के 5:30 हो चुके हैं, 5:30, और अब फ्राइज खा रहे हैं और उसके बाद डिनर बन रहा है। तो गाइस शाम के 8 हो चुके हैं और अब हम डिनर करने जा रहे हैं। अभी कॉल्स वगैरह आई थी सुंदर नगर से, मम्मी पापा जी की भी और नानी जी ने भी बात की, तो टाइम हो गया और हमने मूवी देखना भी बीच में ही बंद कर दी थी जी। तो अब डिनर कर लेते हैं और जो थोड़ी सी मूवी बची है उसको देख लेंगे। तो चलिए गाइस अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप देखते रहिए हिमपुष ब्लॉग। तो टाटा, बाय बाय एंड सी यू। Bye bye guys. Bye bye.